रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही 20 अप्रैल से कार्य किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। जो कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने हैं उन कार्यों को चिन्हित करते हुए उन कार्यों की सूची तैयार करें। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे उन कार्यों में श्रमिकों से फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए। विभागीय निर्माण कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन से पूर्व में शुरू और संचालित कार्यों की सूची कंट्रोल रूम को दी जाए। प्रोजेक्ट के अनुसार कार्यों की सूची में कॉन्ट्रैक्टर, कार्य करने वाले मजदूरों का नाम, निवास आदि की जानकारी दी जाए, जिससे कि सभी मजदूरों का सत्यापन करा लिया जाए। कोरोना वायरस के मद्देनजर जनपद में आवश्यक चिकित्सा सामग्री और उपकरण क्रय किए जाने हेतु जिला स्तर पर एक क्रय समिति का गठन किया गया। शनिवार को पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त चिकित्सा उपकरण और सामग्री यथाशीघ्र क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी चिकित्सा सामग्री की तत्कालीन आवश्यकता है उसे क्रय किए जाने हेतु अल्पकालिक टेंडर आमंत्रित कर जिस फर्म के दर समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं उससे तत्काल सामग्री की आपूर्ति कर ली जाए। जो भी सामग्री हो उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और फर्म के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह से कम समय में हो जाए, इसे भी सुनिश्चित कर लिया जाए। हरिद्वार जिले में दो और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक महिला भगवानपुर के मानक मजुरा जबकि एक मजदूर यूपी के हाथरस का निवासी है, जिसे कुछ दिन पहले ऋषिकेश से लौटते समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गणपति वेंकट हॉल में क्वारंटाइन किया गया था। और दूसरा मामला एक प्रवासी मजदूर हाथरस का है। मजदूर पहले से ही गणपति वेंकट हॉल में क्वारंटाइन है। कोरोना वायरस के दो नए मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार जिले में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब तक 7 पहुंच गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यह आंकड़ा 42 तक पहुंच चुका है। एक तो यहीं पर भर्ती हमारे यहाँ 18 साल का मजदूर है जो ऋषिकेश से आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो पुलिस ने गणपति में भर्ती किया दिया था। सिम्टम आने पर हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 15 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आ जाई है अभी, जो पॉजिटिव आई है। और दूसरा मानिक माजरा का ही केस है, दूसरा जो भगवानपुर का जो पॉजिटिव केस आया था उसी के संबंध में है। एक महिला है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं ऐसे में समाजसेवी लोग जरूरतमंदों की मदद कर देश हित में समाज सेवा कर रहे हैं। कई लोगों को खाना बांट रहे हैं तो कई जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रुड़की में भी शहर के कारोबारी विश्वकर्मा और सबत कश्यप ने देश हित में एक सैनिटाइज टनल स्थापित कर आने वाली बसों, ट्रकों और कारों को सैनिटाइज करने के मकसद से रुड़की रोडवेज पर टनल लगाया है। इस टनल में दोनों तरफ 3-3 स्प्रे ड्रम लगाए गए हैं जो वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद रोडवेज की बसों को भी इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज कर रूट पर भेजा जाएगा। कारोबारी ने बताया कि कोरोना से बनी इस संकट की घड़ी में हर कोई योगदान दे रहा है, उनकी तरफ से भी देश हित में एक छोटी सी पहल की गई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का कि आपने मतलब जो है इस चीज को देखा और इस पर जो है इस तरह की बात आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और ये जो आपका सहायता सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हमारे अपने एक जो यहाँ के रुड़की के ARTO हैं JS मिश्रा जी, उन्होंने हमसे बातचीत की इस बारे में कि क्या कर सकते हैं हम लोग जो है कि जिससे कि जो है जो हमारी प्रशासनिक गाड़ियाँ हैं, शासनिक गाड़ियाँ हैं जो पूरे पूरे शहर को मतलब जो है इसको बड़ी मेहनत से अपनी जान हथेली पर लेकर के अपना पूरा दिन रात कार्य कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी आदमी इस कोरोना से पीड़ित ना हो और उसको जो है उसको बचाया जा सके। तो इसीलिए मतलब जो अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें जो लोग आदमी को सैनिटाइज कर रहे हैं तो WHO ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो केमिकल है ये आदमी के लिए नहीं होता है। तो इसलिए जो है हमारे जो प्रशासन और शासन ने मिलकर के जो हमारे ये परिवहन निगम है
परिवहन निगम ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा और जो गाड़ियाँ जिस गाड़ी के थ्रू हम लोग जो निकल रहे हैं जा रहे हैं और लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात इसलिए कि गाड़ी को सैनिटाइज करने का जो मामला है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो आदमी चाहे वो पीड़ित है या नहीं है अगर कोई गाड़ी को टच करता है तो क्योंकि ये संक्रमण ऐसा संक्रमण है जो टच करने से फैल रहा है तो इसलिए सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ और युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक और महिला मंगल दलों के युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से लगातार कोरोना वायरस के प्रति गांव गांव जाकर लोगों को लॉकडाउन में घर में ही रहने और सैनिटाइजर मास्क आदि के प्रयोग के बारे में बताते हुए सामाजिक दूरी का पालन करने की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। बेरीनाग विकास खंड के लोहाथल में युवतियों ने 500 से अधिक मास्क तैयार किए हैं और जिन्हें घर घर जाकर लोगों को वितरण भी किया है। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक दीक्षा कार्की और योगेश मेहरा ने खेतों में भी कार्य करने के दौरान मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करने की अपील करते हुए इसके कोरोना से बचाव के उपाय बताए। देश में फैली महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे बड़ा और अहम योगदान डॉक्टरों का तो है ही, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी इस कड़ी में सबसे अहम रोल है। पुलिस की इस भागीदारी को देखते हुए जगह जगह लोग घरों की छतों से पुलिस पर फूल बरसाकर उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते पुलिस का नया चेहरा देखकर सभी के दिल पसीज रहे हैं। पुलिस हर वक्त कोशिश में लगी है कि कोई भी गरीब बेसहारा भूखा ना सोए। दिन रात सड़कों पर घूमते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। वहीं पुलिस के इस कार्यशैली को देखते हुए मंगलौर कस्बा चौकी में एक वृद्ध मां हाथों में आरती की थाली सजाए हुए चौकी पहुंच गई और पुलिस कर्मचारियों की आरती उतारने लगी। वृद्ध महिला ने बताया कि पुलिस का यह चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा, मेरा मन था मैं इनकी किसी तरह स्वागत करूं, मेरा मन था स्वागत करने के लिए आई हूं। बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी ढंग से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आदर मान कर रहे हैं, बहुत सबकी सेवा कर रहे हैं सब बच्चों की। सितारगंज तहसील से सटे यूपी के इलाके में पुलिस और कुछ लोगों ने एक शराब तस्कर को कच्ची शराब के साथ पकड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में एक सरदार आरोप लगा रहा है कि उत्तराखंड की पुलिस हमारे पशुपालकों का दूध लॉकडाउन के चलते सितारगंज नहीं जाने दे रही है। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज थाने की सरगड़ा पुलिस चौकी की पुलिस की मिली भगत से नानकमत्ता क्षेत्र का शराब तस्कर कच्ची शराब की तस्करी कर रहा है, जिसे रंगे हाथों कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसमें यूपी के अमरिया थाने की पुलिस ने पूरी मदद की है। वीडियो वायरल होने के बाद उधम सिंह नगर जनपद के पुलिस के उच्च अधिकारियों को संज्ञान में आया तो उन्होंने वायरल वीडियो में उत्तराखंड पुलिस पर कच्ची शराब की तस्करी कराने का आरोप लगाने वाले सरदार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। सितारगंज में सिरकों की खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से की गई गेहूं की फसल को काटकर प्रशासन ने जब्त कर लिया है, लेकिन क्षेत्र के कई किसानों ने इस पर आपत्ति की है, जिसके बाद तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने भूमि की पैमाइश कराई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन के बिना अग्रिम सूचना के दमनकारी नीति के तहत अन्याय किया गया है, जिससे कि लॉकडाउन में तंगहाली से गुजर रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने सिरकुल की जमीन के साथ ही उनके द्वारा राजस्व की भूमि पर की गई खेती को काट लिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। दिनेशपुर के भूखसोरा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां, किसानों का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। किसान परिवार शासन प्रशासन से कर रहा है लगातार मुआवजे की मांग। आपको बता दें कि एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं किसान वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।
देश भर में लॉकडाउन के चलते आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं खास तौर पे गरीब किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ उधमसिंह नगर के बुकसोरा में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे, जो आज सुबह एक घटना हुई है, उनके फसलों में आग लगी है, तो क्या कुछ नुकसान हुआ है? तो सर ये बताइए कि कितनी जमीन थी आपका, क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? हमारी जमीन 2.5 एकड़ थी, उसमें आग लगी है सुबह 5 बजे। तो ये बताइए, इस सूचना को लेकर के आपने प्रशासन के किसी अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की? मैं थाने में फोन किया था, उसके बाद पुलिस आई है, 1.5 घंटे के बाद आई है, फोटो वोटो लेके चली गई है, उसके बाद अभी कोई कुछ नहीं हुआ। जैसा कि इनका कहना है कि लॉकडाउन में इनको व्यापक रूप से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो हमारे साथ पूर्व प्रधान जी इस गांव के मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो आप जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई किस तरीके से हुई है, ये बताइए। सर यह घटना 5:30 बजे करीब हुई है बुकसारा ग्राम सभा में, और बहुत दुखद घटना है जिसमें एक छोटे किसान की फसल जल के 2.5 एकड़ के लगभग फसल जल के नुकसान हो चुकी है, और गांव में दहशत बनी हुई है कि कहीं आगे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पास में ही गांव था, गांव वालों ने इस आगे को काबू में किया, ट्रैक्टरों द्वारा जुताई की गई, किसान लोगों ने आके मिलके इसका बुझाया गया आगे को, और आगे हम लोगों के लॉकडाउन के चलते हुए किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि हमें लेबर नहीं मिल पा रही है, लॉकडाउन की वजह से किसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कंपनियां मिल नहीं रही हैं, अगर कंपनियां बाहर चलती हैं तो उनसे पूछ पड़ताल होती, रोक लिया जाता है, और किसान यहाँ के सभी परेशान हैं, फसलें खड़ी हुई हैं, किसानों की फसलें कट नहीं पा रही हैं, किसान दहशत में है कि आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सुबह पटवारी जी को फोन किया गया, अब उन्होंने फोन उठाया और आने के लिए 10-11 बज चुके हैं, अभी तक कोई यहाँ प्रशासन अधिकारी नहीं पहुंचा है। हमें बड़े दुख के साथ प्रशासन को कहना पड़ रहा है कि इसी तरह अगर व्यवस्था रही तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा, ना यहाँ पे गरीब मजदूरों किसानों को कुछ मिला है, ना राशन आ रहा है सरकार की तरफ से, किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ हमारे पास हमने 45 लोगों की लिस्ट बना के भेजी है, किसी को राशन का पैकेट नहीं मिला, गांव वाले एक दूसरे की मदद करके अपने गांव को बचा के रखा हुआ है, किसान मजदूर सभी अपने घर में बैठे हुए सरकार का कहना मान रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं। जैसा कि ग्रामीण लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो संकट की घड़ी में है, इनको व्यापक रूप से जो लाभ किसान को खास तौर पे नहीं मिल पा रहा है, और ये जो सुबह फसल जली है, इन्होंने राजस्व विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन बामुश्किल उनसे बात हुई है, अभी तक यहाँ पे प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। अपने सहयोगी महेश के साथ में अजय कुमार, के न्यूज़ गदरपुर। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। सारथी के
सुल्तानपुर पट्टी चौकी में कोसी नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में लगातार जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है। विधायक मीना गंगोला ने नगर क्षेत्र में रह रहे बिहारी नेपाली मजदूरों सहित और 3 दर्जन स्थानीय लोगों को राशन वितरण किया है। साथ ही उन्होंने बिना राशन कार्ड वालों की सूची तैयार करने को कहा है। विधायक मीना गंगोला ने बताया कि गंगोलीहाट विधानसभा में 3000 परिवारों को राशन वितरण किया जा चुका है। हर गांव में जरूरतमंदों को मदद दी जाएगी, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। राशन वितरण के दौरान नायब तहसीलदार पंकज चंदोला, ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला, जिला पंचायत सदस्य नंदन वाफिला मौजूद थे। मैं क्षेत्रीय जनता के बीच में हूँ और कहाँ पे किस क्षेत्र में हमारे असहाय गरीब जनता परेशान है, और ये मुझे भली भांति ज्ञात है और लगातार संपर्क में भी हूँ और क्षेत्र में भी हूँ। और लगातार बहुत कम क्षेत्र मेरा बचा हुआ है, थोड़ा बेरीनाग का एरिया में कम घूमी हूँ, तो अब लगातार अब इसके बीच में बेरीनाग में ही हूँ और पूरा समय दूंगी बेरीनाग ब्लॉक को। और जहाँ पे गरीब असहाय लोगों की सूची ली जा रही है, लगातार उनके बीच में जाऊंगी, उनको सहयोग करूंगी। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में 15 अप्रैल से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर डीसी नैनवाल ने 2 समितियों का गठन किया है, जो महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मदद कर ऑनलाइन पढ़ने में मदद करेंगे, जिसका फायदा भी छात्र छात्राओं ने उठाना शुरू कर दिया है। महाविद्यालय में बीएससी फाइनल ईयर के छात्र अर्चित गौतम ने महाविद्यालय प्रशासन के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए कॉलेज का यह कदम बेहद सराहनीय है। वहीं प्रचार ने सभी संकाय का ऑनलाइन टाइम टेबल जारी कर दिया है, उसी के अनुसार प्रत्येक विषय की कक्षाएं 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संचालित हो रही है। हमारे जो टीचर्स हैं बीएससी फैकल्टी के, उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। 17 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है और रेगुलरली सर हमें हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, रोज़ नए नए टॉपिक्स दे रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। और ये नहीं कि सर एक टाइमिंग दे रखा है, हम किसी भी टाइम सर को कॉल करते हैं तो सर हमें उस टाइम ही कॉल पिक करके आंसर दे रहे हैं, उसके सॉल्यूशन बता दे रहे हैं एकदम। और बाद में भी हमें हेल्प करने के लिए कुछ भी कुछ दिक्कत होती है फ़ोन भी कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रों का आना जो है वो असंभव था, और इसलिए जो है वो हम सभी लोग, जिसमें कि जो है वो प्राचार्य महोदय ने यहाँ 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है महाविद्यालय में, और इसी को देखते हुए जो है वो साइंस फैकल्टी में डॉक्टर सती को इसका संयोजक बनाया गया है। आर्ट्स में जो है डॉक्टर डी एन तिवारी को संयोजक बनाया गया है, जबकि कॉमर्स में जो है डॉक्टर आर एम पटेल इसके संयोजक हैं। और सभी प्राध्यापक गण जो हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं। लॉकडाउन की तिथि बढ़ने के बाद से पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, लेकिन राज्य में नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंधों के बावजूद नैनीताल जिले के भीमताल में शराब की कालाबाजारी रुक नहीं रही है और जिले में शराब की कालाबाजारी कर करोड़ों की शराब बेची जा चुकी है। इसी क्रम में भीमताल के मल्लीताल विकास भवन चौराहे में स्थित वाइन शॉप और मल्लीताल बाजार स्थित बार को पुलिस ने आबकारी विभाग के सहयोग से 3 मई तक के लिए सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि उक्त जगहों से अवैध रूप से ब्लैक में शराब बेची जा रही है और जो जांच में सत्य पाया गया है, जिसके बाद इन्हें सील कर दिया गया है। सीओ अनुषा बंडोला ने कहा कि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रिकॉशन से हम लोगों ने 3 मई तक इसको सील करा दिया, उनके बार को भी और और फिर कार्रवाई की जा रही है इसके अलावा नहीं। अब जैसे भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें और मिलती है कि ऐसा कहीं पर हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी सील कराया जाएगा, इसलिए हमने एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था तो उन्होंने आके सील किया। कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने के लिए चंपावत में 80 साल के पद्मादत्त पुनेठा ने देहदान करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
राज्य आंदोलनकारी पुनेठा का कहना है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सरकार दवाइयों की वैक्सीन टेस्ट के लिए उनके शरीर का इस्तेमाल कर सकती है ताकि उनका शरीर देश के काम आ सके। वहीं बुजुर्ग कोरोना योद्धा के बेटे भी अपने पिता के इस फैसले पर गर्व जताते हुए परिवार सहित सहमत नजर आ रहे हैं। पिताजी द्वारा इस मामले में जो भी निर्णय लिया गया है वो अपने विवेक से और परिवार की सहमति से ही लिया गया है। जैसा कि इनका पिछला भी जो कार्यकाल है, इन्होंने राज की सेवा को छोड़कर विभिन्न सामाजिक कार्यों से हमेशा ये लगे रहे, चाहे वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विषय रहा हो, शराब विरोधी आंदोलन रहा हो, नजूल भूमि फ्री होल्ड का मामला रहा हो, तो इस तरह के विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है और आज पूरा परिवार और समाज भी इनके साथ है। ऐसा है, मेरी उम्र अब 85 में हूँ। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, ये एक अकल्पनीय परिस्थिति विश्व के सामने आई है। इसको देखते हुए इसमें जो इसको बचाने के लिए दवा और वैक्सीन का की खोजें हो रही हैं, इन खोजों को करने में यदि मेरे शरीर पर भी इसका प्रयोग किया जाए तो मैं अपना शरीर दान देने के लिए तैयार हूँ भाई, ऐसा मेरा। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ एडीआर। नमस्कार।